अक्सर मैं जब मैं इवेंट्स कवर करने जाता हूँ, मुख्तलिफ इवेंट्स हो, कल्चरल हो, शोबिज, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो मैं एक फीमेल एंकर रिपोर्टर इनको अक्सर मैं देखता हूँ फील्ड में। इनको आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इनकी काफ़ी मीम्स बनी हुई है। और CTO जो थे हमारे लाहौर के ट्रैफिक के जो चीफ थे लियाकत साहब, उनके साथ इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी चैनल 5 के लिए। ये न्यूज़ रिपोर्टिंग करती है, प्रोग्राम भी होस्ट करती है। बाकी इन्हीं से पूछते हैं कि इनका कैरियर कब, कहां से, कैसे शुरू हुआ। जी पहले तो अपना नाम बताएं, फुल नेम क्या है आपका ओरिजिनल? मेरा पूरा नाम सदफ नईम है और मैंने कभी भी नहीं छुपाया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर चैनल 5 से ही मैंने स्टार्ट किया था। और वो मेरा बहुत, जब स्टार्टिंग घर से निकली थी तो बहुत डरी रहती थी, बट फिर जब मैंने हर चीज़ को फेस करना शुरू किया और फिर मुझे शौक पड़ा, और जब पोस्टिंग के साथ साथ वो तो मैं करती थी बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था। वो जो वाकया हुआ था CTO वाला, जो अब मेरे ख्याल से लाहौर से चले गए, ऐसे ही हुआ, क्या हुआ था उसके बाद, आपने कैसा महसूस किया इसका? अब एक एक लाइन में रिएक्शन दे रहे लोगों को कि यार आप लोगों ने अच्छा किया मेरे पे तनकीद कर दी, या बुरा किया, या मैं सल जाती हूँ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दें, कुछ भी कह रहे हैं इस हवाले से आप बात करें। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं 2 दिन बहुत अपसेट रही। अच्छा। ठीक है, फिर मुझे कुछ मेरे अपने यानी कि करीबी दोस्तों ने समझाया कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें होती रहती हैं और ये आगे बढ़ने के लिए होती हैं। ठीक है, बट मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया था। एक इंसल्ट ही मुझे फील होती थी, क्योंकि जहाँ लोग मेरा वो कर रहे थे वहीं मेरा मजाक भी बनाया जा रहा था। ठीक है, मैं वहाँ से ही चली जाती थी, मगर मैंने ना 2 दिन में अपसेट रही बहुत ज़्यादा। मैं इवन देन, आपको पता है अगले दिन भी मैच था, मैं उस जगह से ही दूर भाग गई जहाँ पे CTO आया। हालाँकि उन्होंने, मलिक लियाकत साहब ने कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश की मेरे से, मगर मैंने उनसे कोई बात नहीं। इवन देन वो यहाँ पर भी आए और उन्होंने कहा उस लड़की को बुलाए, मैंने कहा इन्होंने फिर कोई ख़बर बनवानी है, तो सीधी बात है, मैंने कहा रात की तो मैं टोटली वायरल हो गई हूँ। तो बट जिसने भी मेरे साथ किया ये अल्लाह उसका भला करे। मैंने बहुत बहुत अपने लिए जो है बहुत बुरे बुरे अल्फाज भी सुने, सब कुछ भी सुना, बट उसको जिस तरह एडिट करके पेश किया गया ना, वो वैसे था नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं इस चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे, मेरी जो तरबियत थी ना, उसने मुझे बदतमीज़ी करने पे मजबूर नहीं किया। अगर मैं उनके आगे नहीं बोली ना तो ये मेरी ज़ुबान थी, मगर अब उसके बाद, उस वाक़े के बाद मुझे वक्त ने सिखा दिया कि नहीं, अपना बदला जो है आप उसी वक्त पूरा कर लो बोल के, वरना जो है यहाँ पर कोई माफ़ी नहीं देता। मजाक बनाया गया था इनका, इनके क्या अल्फाज हैं, क्या रिएक्शन है, अभी भी इनका दिल बड़ा है? आमतौर पर लोग समझते हैं, बल्कि ये सवाल आपसे भी मैं करूँगा, कि रिपोर्टर्स जो होते हैं जब किसी जगह पर जाते हैं इनको बड़ी सहूलियात मिलती है, तो इनको क्या सहूलियात मिली है? यहाँ पर बैठी हैं, ये पीछे देखे, ना ऊपर छत है, ना पानी का इंतज़ाम है, ना खाने पीने का इंतज़ाम, और लोग समझते हैं कि ख़ास तौर पर फीमेल रिपोर्टर को तो बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, तो ये इनका प्रोटोकॉल है मेरे साथ बैठी हुई है। और बड़े आराम से मैंने इनको एक्सेस किया, इवेंट्स पे मैं इनको देखता रहता हूँ, मेरी बातचीत इनके साथ नहीं थी, मैंने कोई इनको रिक्वेस्ट नहीं की, इनसे मैं सलाम किया, मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, इन्होंने इनकार नहीं किया। बहुत बड़ा दिल रखते हैं ये लोग, लिफाफा कहा जाता है, मीम्स बनाई जाती है, मजाक बनाया जाता है। कभी ख़ुद ग्राउंड पर आकर देखो, जब कैमरा हाथ में हो, माइक हाथ में हो, और लोगों से बात करनी हो, तो कितनी मुश्किलात होती है। कितने बजे आज PSL का जो मैच है, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, कितने बजे आप घर से निकली और अब क्या टाइम हो रहा है बताएं, और कब तक इधर रहेंगी थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएं? मैं घर से जो है तकरीबन 1 बजे सुबह की निकली हुई, उसके बाद ऑफिस गई हूँ, कुछ चीज़ें फाइल की, PSL का पैकेज बनवाया 3 बजे के लिए, वो मैंने फैशन के अंदर किया था, बिकॉज हमने दूसरी चीज़ें भी देनी होती हैं साथ साथ, पॉलिटिकल चीज़ें भी देनी होती हैं, हमारे एक काम नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर आई, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो जाए रस्ते में, जैसे मेरे ऊपर ही बड़ा इशू बना था, हालांकि जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ये लोगों को भी पता है, आने में मीडिया की गाड़ी तक रोक दी जाती है, बिल्कुल रोक दी जाती है, ठीक है, आगे नहीं आने देते, और इस वजह से, इस खौफ से मैं यहाँ पर आगे पहले जल्दी आ गई कि मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो, और उस वक्त से बाहर रिपोर्टिंग करी थी और अब अंदर करके आई हूँ, और मेरे ख्याल से 3 बजे की मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और अभी तक यहाँ पर मौजूद हूँ, जब तक मैच ख़त्म नहीं हो जाता यहाँ से जो है वो खड़ी, और ऑफिस जाके अभी जाके पेपर के लिए हमने चीज़ें फाइल करनी, ये एक रिपोर्टर की लाइफ, लेडी रिपोर्टर हूँ, कोई सहूलत नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है सीखा है अपने उस्तादों से, अपने मालकान से, कि काम है, बस काम हो
होना चाहिए उसमें आगे जंग लड़ते जाओ। स्टार्टिंग में क्या मुश्किलात आपको पेश आती थी रिपोर्टिंग करते थे, ऑनेस्टली बताएं। स्टार्टिंग में मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, मैं लोगों लेके निकलती थी ना तो मैं डर जाती थी, बिकॉज कभी मैंने ऐसे कभी फेस नहीं किया था इन चीज़ों को ना, किसी ने मेरे आगे से यूँ हंस के बात की तो मैं डर जाती थी, सहम जाती थी। फिर एक वक्त ये आया कि मैं अपने अंदर ही जो है ना वो फील करती थी कि मैं इरीटेट होती थी, इस एक बार इरीटेशन है ना मुझे उसमें, आपको पता है जब एक लड़की बाहर निकलती है उसको बहुत हरेसमेंट का सामना भी करना पड़ता है, तो उस चीज़ में ना मैं सख्त होती गई वक्त के साथ साथ। जब मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया और मुझे पता चल गया कि दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर मैं अपने लिए कोई स्टैंड लूँ, ठीक है। बैक पे मुझे ये भी पता था कि मेरे पीछे बैक इदारा है, जो सीधी बात है, ठीक है। एक ये भी मुझे बड़ी अच्छी सपोर्ट थी, उस पर जाके फिर मैंने हर काम किया और मैंने बड़े धड़ल्ले से किया, मैं डरी नहीं किसी से, पॉलिटिकल बीट हो फिर शोबिज हो या ये चीज़ हो, उसमें मैंने जो है ना बड़े हमेशा एटीट्यूड पे रही। मैंने कहा यार अंदर से मैं जितना मर्जी डरूँ मैंने एटीट्यूड में रहना है, मैंने किसी को जो है ना वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। फेवरेट बीट आपकी कौन सी है? एक एक बात याद रखें, जो न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट होते हैं इनकी एक मुख्तस बीट होती है, मतलब के कुछ लोग पॉलिटिकल इवेंट्स जो होते हैं जलसे जुलूस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनको कवर करते हैं, कुछ लोग होते हैं स्पोर्ट्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं एंटरटेनमेंट और शोबिज़ को देखते हैं, कुछ हेल्थ को देखते हैं, तो इनसे पूछेंगे आपका जो फेवरेट बीट अब तक कौन सी रही, तो आपको पता है कि यार मुझे मज़ा आता है, मैंने ये काम करना ही करना है। मुझे एक्चुअली फैशन में जो है वो मुझे बहुत मज़ा आता है, फैशन मेरी फेवरेट बीट है, बिकॉज उसमें जो होती है ना वो आपकी एक और ही लाइफ होती है, मींस कि आप अपनी मर्जी का काम करते हो और जगह पे जाके ना आपको बहुत से मेरे ख्याल से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आपका नाम कब बना आपको याद है या पता ही नहीं चला लोगों को, लोगों ने बस आपको सोशल मीडिया पर पहचान लिया देख लिया था, कुछ याद है इस तरह? नहीं सर, से मुझे कुछ भी नहीं याद, बस मुझे उसी वक्त फील हुआ था कि मैं एक प्रोग्राम से जो है स्टार्ट में शुरू हुई थी, गानों के प्रोग्राम पुराने गीत पुराने गके से, इससे मुझे लोग जानते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है रिपोर्टिंग में भी आप सदफ नहीं है आप सदफ नहीं है, तो मुझे ऐसे लगा मैं मशहूर हो गई हूँ क्या, यूँ लगा क्या मैं मशहूर हो गई हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं मशहूर हूँ। कितना अरसे से आप जर्नलिज्म कर रही हैं, कब आपने स्टार्ट किया था कुछ याद है या किस चैनल से किस अखबार से? चैनल 5 से फॉर खबरें न्यूज़पेपर से मैंने स्टार्ट किया था, बट स्टार्टिंग जो थी वो मेरी होस्टिंग थी तो वो जस्ट लिंकिंग थी, बट उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट की और मुझे 7 से 8 ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स हो गए हैं ज्वाइन किए हुए जर्नलिज्म और 8 ईयर्स हो गए हैं मुझे बाहर आउटडोर रिपोर्टिंग करते हुए, इंडोर तो मैं प्रोग्राम पर थी बट आउटडोर ने जो मुझे सिखाया और उसने मुझे ये सिखाया कि आपकी अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आप एक इंस्पिरेशन है उन बच्चियों के लिए, आपको देखती हैं बच्चियाँ मैथ्स कॉम की जर्नलिज्म की पसंद करती है आपकी रिपोर्टिंग को, उनको उनके लिए एक पैगाम आप दे दें कि इस चीज़ पर आप फोकस करें, इस चीज़ पर बिलीव रखें, ये चीज़ ज़्यादा करें तो आपके लिए मुस्तकबिल में आसानी होगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहूँगी कि अपने काम के ऊपर फोकस करो, ख़ासतौर पर जिन्होंने जर्नलिज्म जो है रिपोर्टिंग बाहर करनी है उनको चाहिए कि उन एक्सपीरियंसेस से गुजरें, डरें किसी से नहीं क्योंकि वक्त हर किसी का नहीं होता, और एक चीज़ बता दूँ जब आप अपने ऊपर से डर उतार देते हो ना, मैं समझती हूँ मैं एक लड़की हूँ, मैं लड़कियों की प्रॉब्लम्स को समझती हूँ, हर चीज़ को फेस करना भी आसान नहीं होता, मगर उसमें से निकलते जब आपकी नीयत साफ होती है ना तो अल्लाह ताला आपको यूँ निकाल देता है आपको पता भी नहीं चलता, जैसे मुझे मेरे अल्लाह ने निकाला इन 10 सालों में हर मुश्किल से। शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखें और आपकी जो रिपोर्टिंग है उसको हम ऐसे ही देखते रहेंगे। कोई यूट्यूब चैनल है आपका? नहीं, मेरा कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम है मेरा। क्या है आपकी आईडी इंस्टाग्राम? Naeem.Sadaf। इनको फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, इनकी वीडियोज़ वगैरह देखा करें और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।